कतर फीफा वर्ल्ड कप को लेकर मिस्र के एक मशहूर मौलाना ने एक बयान दिया है जिसको लेकर दुनिया भर में सनसनी मच गई है। मौलाना ने कतर को हिदायत देते हुए कहा है कि कतर जितना पैसा फीफा वर्ल्ड कप कराने में खर्च कर रही है इससे अच्छा उसे अपना पैसा परमाणु बम बनाने में खर्च करना चाहिए था। मौलाना ने कहा है कि एक अरब देश फुटबॉल वर्ल्ड कप करवा रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान फुटबॉल मैच देख रहे हैं वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मिस्र के मौलाना का ये वीडियो मेमोरी रिपोर्ट्स ने जारी किया है जिसमें वो स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं और नीचे उसका इंग्लिश अनुवाद है। ये मौलाना कौन है, उन्होंने वीडियो में क्या क्या कहा, उसका अनुवाद मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्र के इस्लामिक स्कॉलर मौलाना यूनुस माखियान का ये वीडियो चर्चा में आया हुआ है। मौलाना वीडियो में कहते हैं कि लोग घंटों फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, ये मुस्लिमों के समय की बर्बादी है। मुसलमानों के पास फुटबॉल मैच देखने का समय नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर कोई स्पोर्ट्स खेले ताकि शरीर मजबूत हो और आप दुश्मनों के खिलाफ जिहाद कर सके। मौलाना ने आगे कहा है कि फुटबॉल लोगों को किसी भी व्यक्ति से प्यार या नफरत उसके मजहब के आधार पर नहीं सिखाता बल्कि उसकी टीम के आधार पर होता है। वीडियो में मौलाना कतर को भी खरी खोटी सुनाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें इस बात का जरा सा भी गर्व नहीं है कि एक अरब देश फुटबॉल मैच का आयोजन कर रहा है और उसके पीछे अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। अगर वो कुछ और करते तो शायद हमें गर्व होता, जैसे वो ईरान की तरह परमाणु बम बनाते। मौलाना का कहना है कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो 200 अरब डॉलर खर्च किए हैं उसके बदले ये पैसा परमाणु बम बनाने के लिए खर्च करना चाहिए था। मौलाना यूनुस ने फुटबॉल खिलाड़ियों को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें एक स्टार की तरह माना जाता है। कई लोग इन खिलाड़ियों को अपना मानते हैं जबकि ये इस्लाम के दुश्मन हैं। मौलाना यूनुस मशहूर फुटबॉल रोनाल्डो से भी खफा नजर आए। उन्होंने कहा है कि रोनाल्डो कहता है कि वो अपने बच्चों की मां से शादी करेगा लेकिन उसने उससे पहले क्या किया, शादी से पहले ये बच्चे किसके हैं। आपको बता दें फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी रोनाल्डो को लेकर मौलाना ने जो बात कही है वो इस संदर्भ में है कि रोनाल्डो की तो शादी ही नहीं हुई है लेकिन उनके बच्चे हैं, जबकि इस्लाम में शादी से पहले बच्चों की इजाजत नहीं है। इसलिए मौलाना ने रोनाल्डो और मेसी को इस्लाम विरोधी करार दिया है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।